ओनली ट्रुथ। लेटेस्ट खबरें पाने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ओनली ट्रुथ पर। जैसा कि आपको पता होगा कि अब एक नया रूल आया है कि आप अपनी वाहन पे, अपने किसी भी व्हीकल पर कोई भी जाति सूचक शब्द नहीं लिखवा सकते हैं। तो इसी क्रम में हम आपको बता रहे हैं एक न्यूज़ के बारे में। उत्तर प्रदेश सरकार ने गाड़ियों पर जाति सूचक शब्द लिखवाने पर कड़ी कार्रवाई का आदेश दिया है, जिसका असर भी दिखने लगा है। लखनऊ में वाहनों पर जाति सूचक शब्द लिखे जाने पर कार्रवाई किए जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। लखनऊ में सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें एक पुलिसकर्मी गाड़ी चालक को नए आदेश के बारे में बताता है, फिर उसकी गाड़ी को सीज करने के लिए कहता है। पुलिस आयुक्त डीके ठाकुर के मुताबिक एक व्यक्ति नाका थाने क्षेत्र से होकर कानपुर जा रहा था। उसकी वैन का नंबर कानपुर का था। इस दौरान पुलिसकर्मी एसआई दीपक कुमार ने वाहन चेकिंग अभियान के तहत चालन को रोका, क्योंकि उसकी गाड़ी के पीछे सक्सेना जी लिखा हुआ था। जारी किए गए नए आदेश के अनुसार किसी भी गाड़ी पर जाति सूचक शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाएगा, जिसके बाद उस गाड़ी चालक को नए आदेश के बारे में बताया गया और जाति सूचक शब्द हटाने को लेकर हिदायत दी गई। साथ ही नाम हटाने के लिए भी कहा गया। साथ ही कोविड-19 अधिनियम के तहत 500 रुपये का चालान किया गया है। इस पूरी घटना का वीडियो किसी ने सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया, जो अब वायरल हो रहा है। तो दोस्तों, इसी प्रकार के लेटेस्ट अपडेट के लिए जुड़े रहिए आपके अपने चैनल ओनली ट्रुथ से।